उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्लानिंग की है और अब अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसका फोकस अपने पुराने वोट बैंक पर है, यानी मुस्लिम समुदाय पर। तो क्या है पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम जमाना इतना आसान नहीं है और देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीतिक सफर तय करना सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि 3 दशकों से ज्यादा समय से कांग्रेस के हाथ में केवल हार लग रही है। इसलिए पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली। पार्टी की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। सूत्रों के मुताबिक मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए शाहनवाज आलम का कहना है कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा के चलते 1990 के बाद से अल्पसंख्यक वोट खिसक कर सपा और बसपा की ओर जाने लगा, लेकिन इन पार्टियों में भी मुसलमानों को तवज्जो नहीं मिली। मगर अब यूपी कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में एक अच्छी लीडरशिप मिली है, इसलिए नए सिरे से मुस्लिमों को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का अभियान मदरसों से शुरू किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे और मदरसों के छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडे की जानकारी देंगे। इस अभियान के साथ साथ पार्टी आंकड़ों का गणित बैठाकर भी जीत हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सर्वे से पता चला है कि ज्यादातर 30% वोट हासिल करने पर सरकार बन जाएगी। 20% मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आने के लिए कहा जाएगा। बीजेपी से नाराज ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलित को जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस की इस प्लानिंग से साफ हो गया है कि मुसलमानों को अपना बनाकर सूबे की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या मुसलमान होते हैं कांग्रेस पर मेहरबान। डीवी लाइव की रिपोर्ट।